सो दोस्तों, जैसे कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 9 के बारे में, तो जैसे कि इस फ़ोन का बहुत ही सारे ऑफिशियल लीक्स निकल के आ चुके हैं, तो क्या आप Redmi Note 9 के फुल डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस फ़ोन का ना बहुत ही सारे ऑफिशियल लीक्स हैं, और इस फ़ोन का प्रोसेसर भी लीक हो चुका है कि इस फ़ोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है और हाल ही फिलहाल में अनाउंसमेंट किया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और अगर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो 6.53 इंच का डिस्प्ले हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस के साथ आने वाला सुपर एमोलेड का पैनल भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले में थोड़ा सा चेंज किया गया है, इस फोन के अंदर हमें सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा, जो कि देखने में यार बहुत ही अच्छा लगता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम की तरफ से हाल ही फिलहाल में अनाउंसमेंट किया गया है। और यहाँ पे ये भी कंफर्म हो चुका है कि Redmi Note 9 के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जो कि 2.21 GHz पे क्लॉक है। बात करते हैं रैम के बारे में, 4GB 64GB और 6GB 64GB और 6GB 128GB का रैम हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन आने वाला है एंड्रॉयड 10 के साथ, जहाँ पे MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो पैंटा कैमरा सेटअप हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में, तो 25 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh का बैटरी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल है। और इस फोन के अंदर हमें बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इस फोन के अंदर हमें 27W का एक फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। और इस फोन के अंदर टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो Redmi Note 9 का प्राइसिंग होने वाला है 12 से 14 हज़ार रुपये के रेंज में। तो जैसे कि यार इस फोन का प्राइसिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम प्राइसिंग में बहुत ही अच्छा स्पेक्स इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को ना Redmi Note 9 के लिए वेट कर लेना चाहिए। यार मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि वेट करना चाहिए, आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि Redmi की तरफ से हमें बहुत ही सारे अपकमिंग स्मार्टफोन्स देखने को मिलेगा, बस आप लोगों को वेट करना है। और अगर बात करते हैं रिलीज डेट के बारे में, तो Redmi Note 9 का रिलीज डेट होने वाला है मार्च के सेकेंड वीक पे। तो जैसे कि इस फोन का रिलीज डेट भी बहुत ही सामने आ चुका है, बस आप लोगों को वेट करना है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और स्टे ट्यून रहिए चैनल पे, क्योंकि बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून रहिए चैनल पे। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।